सत श्री अकाल जी सारे, वेलकम बैक टू स्वराज सिंह व्लॉग। 21 डेज डिफरेंट चैलेंज का मेरा पहला व्लॉग है, पहला दिन है और मैं सुबह जल्दी उठ के मतलब 4:56 पर रेडी हो गया हूँ। ऐसे मैं 4 बजे उठा था लेकिन थोड़ा घर का काम था तो इतना टाइम हो गया। और अभी मैं जा रहा हूँ गार्डन में एक्सरसाइज करने के लिए क्योंकि मेरा दूसरा टॉपिक वही था, तो पहला टॉपिक तो पूरा हो गया है। तो मैं गार्डन में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि घर पर मेरे को एक्सरसाइज करना फा नहीं रहा है। और चलो बस फटाफट चलते हैं और गार्डन में मैं छोटी सी लाइट लेके जाऊंगा क्योंकि बाहर है अंधेरा और अब मैं बना रहा हूँ वीडियो तो फिर कुछ दिखेगा भी नहीं अगर लाइट लेके नहीं जाऊंगा। तो चलो बस फटाफट चलते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अभी साइकिल पे जा रहा हूँ और हाथ में लाइट पकड़ के गार्डन जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने बता तो दिया है पहले आपको। चाल चाल और तेज भाग बबीता। रे बाबू मेरे ये जुल्म न कर, और पे करम बच्चों पे सितम। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली पहुंच गया गार्डन में। ये पड़ी मेरी साइकिल और ये रहा गार्डन बाहर। तो मैं जाता हूँ फटाफट अंदर। फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, देख सकते हो कितना अंधेरा है। तो फ्रेंड्स मैं गार्डन में तो आ गया हूँ और मेरे को अभी फिलहाल करना है रनिंग। और रनिंग से पहले अपनी बॉडी को करना पड़ेगा मेरे को गर्म, ठीक है। तो उसके लिए तो कुछ नहीं, जंपिंग करना पड़ेगा और एक और एक्सरसाइज है वो उसको करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट करता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस एक्सरसाइज का, फटाफट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मेरी बॉडी गर्म हो गई है और मैं आई थिंक मैंने वार्म अप कर लिया है और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। तो फ्रेंड्स फटाफट करते हैं रनिंग। तो छोरों को पीटना है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी। काली तो उसने मन दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की क्या जरूरत थी है? अब बता रही है फ्रेंड्स। अभी मैंने फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट किया है। ये गार्डन जो है तो इसका जो ये मतलब तालाब है तो इसका जो रनिंग करने वाला बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैंने पूरे की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि कैमरा लेके दौड़ना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक मिनट की वीडियो बनाऊँगा उसके बाद कैमरा बंद कर दूँगा। और ये मेरा दूसरा राउंड है तो चलो गाइस फटाफट दूसरा राउंड भी कम्प्लीट करते हैं। मैं हाफ गया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने 5 राउंड कर लिए रनिंग के और अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो अभी बैठा हुआ हूँ। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है वो करना होगा तो करूँगा मैं, करना होगा तो नहीं, करना ही पड़ेगा उसको। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेस्ट करता हूँ, उसके बाद सीधा जब एक्सरसाइज करूँगा तभी कैमरा ऑन करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और मेरे को नाम तो नहीं पता लेकिन इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे खड़े होके भी घूमते हैं, नाम तो मेरे को नहीं पता। तो मैं करने लग जाता हूँ फ्रेंड्स फटाफट। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं ये वाली एक्सरसाइज करने लग गया हूँ जो लेग से की जाती है। तो फटाफट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने वाली एक्सरसाइज भी 30 टाइम्स करने के बाद मैं है और यहाँ पे जो भी टूल्स है वो मेरे को अच्छी नहीं लगे तो मैं जा रहा हूँ घर पे और घर पे एक्सरसाइज करूँगा क्योंकि मेन एक्सरसाइज नहीं हो गई है जिसका नाम है रनिंग। तो वो फटाफट भी कर चलते हैं, उसके बाद घर पर एक्सरसाइज करने की मेरे को डेली रूटीन के हिसाब से। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं फिर से जा रहा हूँ घर पर, मेरी हो गई एक्सरसाइज पूरी लेकिन घर पर जाके थोड़ी और एक्सरसाइज करने की है मेरे को।
तो फटाफट फ्रेंड्स चलते हैं घर पे, क्योंकि मैं एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पे आ गया हूँ, और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं घर पे जाके भी थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, तो मैं अभी वही करने वाला हूँ। आई थिंक मैं अभी कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं पुशअप्स करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू पुशअप्स, तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स 30 पुशअप्स लगाने के बाद अभी मैं करने वाला हूँ डिप्स, उसको डिप्स ही बोलते हैं आई थिंक। तो फटाफट करते हैं, जब मैं करूँगा तो आप देख लेना फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मैंने फाइनल डिप मार लिए हैं, और अब टाइम आ गया है डंबल्स का। मेरे घर पे 2 डंबल्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से मैं ये एक को उठाऊंगा। तो चलो गाइस फटाफट उसको उठाते हैं, लेट्स स्टार्ट। छोरों को पीट रहा है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी। तो फ्रेंड्स मैं डंबल्स उठा लिया, और मैंने एक हाथ से 40 टाइम्स डंबल्स को उठाया है, और नाउ इट्स टाइम टू टेक कोल्ड शावर। तो फटाफट फ्रेंड्स नहा के आता हूँ मैं, वो भी ठंडे पानी से। लेट्स बिगिन। एंड अगर ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी पता चले कि 21 डेज डिफरेंट चलने का पहला दिन कैसा होता है। तो प्लीज़ एंड सपोर्ट माय चैनल, आई नीड 1000 सब्सक्राइबर, यू कैन डू दिस वर्क। चलो गाइस फटाफट नहा के आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी नहा धोके एकदम रेडी हो गया हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो गुरुद्वारा। फिर वहाँ जा उसके बाद मैं पापा के साथ कहीं जाने वाला हूँ, तो और गुरुद्वारे मत्था टेकने के बाद। लेकिन ठीक है, मैंने अपने 21 डेज डिफरेंट चैलेंज के अंदर बताया था कि आप किसी भी टेंपल या तो किसी भी मंदिर या किसी भी गुरुद्वारे में आप जा सकते हो, तो मैं गुरुद्वारा प्रेफर करूँगा। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे, फटाफट चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी मैं गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद मैं भी जा रहा हूँ घर पे। तो फटाफट घर पे चलते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ यहाँ पे अच्छी आएगी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग अभी सुनने वाला हूँ ऑडियो बुक, और ऑडियो बुक है भगवद गीता की, आप देख सकते हो। और मैं गीगल ऐप के साथ भगवद गीता सुन रहा हूँ, क्योंकि गीगल ऐप पे भगवद गीता फ्री में है। अगर आपको भी सुननी है तो आप भी सुन सकते हो, ठीक है। और अभी देख सकते हो मैं सुन रहा हूँ, तो लेट्स लिसनिंग। तो फ्रेंड्स ऑडियो बुक मैंने पढ़ ली, ऑडियो बुक के अंदर मैंने भगवद गीता पढ़ी। फ्रेंड्स मेरा इसी के साथ आज का जो चैलेंज होता है डे वन का, वो मेरा कंप्लीट हो गया है, और सेल्फी मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और रही बात पानी पीने की, राइट, ड्रिंक वाटर, 3 से 4 लीटर पानी पीने की बात रही थी, वो तो मैं पी लूँगा इजिली। मैं 2 लीटर तो ऐसे भी पी लिया सुबह से, लेकिन वो मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया है। और आज के इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म होता है, डे वन का व्लॉग इजिली ख़त्म हो गया। अब देखते हैं डे टू में क्या होता है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ, एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं डे टू व्लॉग में।